लद्दाख एक्सप्रेस चैनल एंतंगामा रसूस बेदगा मोहम्मद मूसा दादरिंग नमजा खुर्चास बसे खिमे थी गैनुक नता छुलो मथों नता फिस्तान सब डिवीजन साउंड गैन खिमे थी गैनुक स्तक पैन उस दुखर हों सुतिन छान दी बरेन टीम इंगना दरेंगा नंबो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल श्रीकांत सुसे साहब जुक्सो सर पॉजिटिव फ्लैश अभी रिसेंटली करगिल में जो फ्लैश फ्लड आए हैं इससे काफ़ी साउंड को सब डिवीजन में काफ़ी डैमेज देखने को मिला है, तो क्या कुछ स्टेप उठा रहे हैं सर साउंड को सब डिवीजन को लेकर? वहाँ जो आपने शंकु सब डिवीजन की बात की वहाँ पे फ्लैश फ्लड से नुकसान की रिपोर्ट हमारे पास आई थी, तो हमने इमीडिएटली जो वहाँ के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उनको डायरेक्शन पास किया था कि वो मौके पे जाएं और उसका मुआयना करें। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने स्पॉट्स विजिट भी किए और जितने भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है उसमें PHE का भी रिपोर्ट्स आए कि पानी का सप्लाई भी थोड़ा सा उसमें डैमेज हुआ है। इरिगेशन कूल की बात करें, ब्रिजेस की भी बात करें, तो उसका एक प्रिलिमिनरी एक रिपोर्ट उन्होंने भेजा है। तो हमने डायरेक्शन पास किया कि जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज है कि टेम्प्रेरी रिस्टोरेशन इसको इमीडिएटली करें, ताकि अभी मोहर्रम का भी दिन है तो पब्लिक को ज़्यादा उसमें कम से कम उसमें नुकसान हो, और जो जो टेम्प्रेरी रिस्टोरेशन का काम करने के लिए बोल दिया। और जो जो एज पर SDRF के नॉर्म से अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का या अगर डैमेज होगा तो वो उसका एक प्रोसीजर सेट है कि वो हमें SDM के थ्रू एंड कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू रिपोर्ट्स आता है, तो एज़ पर नॉर्म उसमें हम जो भी रिलीफ बनता है वो भी हम उसमें देंगे। तो सर अभी जो DPR की बात करें UT एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा है बोल रहे सर, इसके बाद कोई आगे काम नहीं हो पा रहे हैं जो नाला टर्निंग करना है वहाँ पर, उसका मैं अभी एक उसमें जो आपने बोला है उसमें मैं इरिगेशन के साथ एक मीटिंग कर लूँगा और उसके बाद आपको मैं उसमें अपडेट देता हूँ। तो कुछ दिन पहले आपने JJM पर रिव्यू किया था करके, तो क्या स्टेटस है सर, क्या कुछ अभी भी करने की जरूरत है? जैसे आप जानते हैं कि जल जीवन स्कीम एक इम्पोर्टेंट स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, एक प्रायोरिटी सेक्टर है, तो पिछले 2 साल में काफ़ी उसमें मेहनत किया गया है PHE डिपार्टमेंट की तरफ से और दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो कारगिल की बात करें तो 75% से ऊपर हमने अभी सैचुरेशन हासिल किया है, और रिसेंटली रिव्यू मीटिंग में हमने वही डिस्कस किया कि विलेज वाइज क्या क्या इशूज़ आ रहे हैं, कुछ जगह कुछ लैंड डिस्प्यूट की वजह से इशू आ रहे हैं, या कुछ मटेरियल टाइम पे नहीं पहुंच रहा है, या अदर जो भी इशूज है सोर्सेस में, सोर्सेस से पानी लाने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो वो हमने विलेज वाइज डिस्कस किया। और मैंने बाद में उस एरियाज़ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी काउंसलर्स ऑनरेबल काउंसलर्स मेरे से मिलने आए उनसे भी ये मैंने बात किया कि और BDCs भी आए थे उनसे भी डिस्कस किया कि जब तक एक पब्लिक कोऑपरेशन मूवमेंट की नहीं चलेगी तो ये स्कीम सक्सेस नहीं होगी। तो मेरा ले में भी मैंने मेरी कोशिश यही रही थी कि पब्लिक को साथ में लेके इसको स्कीम को सक्सेस बनाया जाए, तो जो भी इश्यूज है हम उसको देख रहे हैं और इसको हम इंशाल्लाह हैंडल करेंगे। जितने भी लैंड डैमेज हुआ है या इरिगेशन जो जितने भी फील्ड डैमेज हुए उनको लेके कंपनसेशन कब तक आ सकते हैं सर, इसके लिए क्या कुछ कोशिश चल रही है? जो मैंने पहले बताया कि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट आता है, तो SDM को हमने डायरेक्शन पास किया कि हमें इमीडिएटली इसको रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए, तो उस रिपोर्ट के आधार पे जैसे हमारे पास आ जाएगा 2 दिन में हमने बोला है उसको जितने भी एरियाज़ का है डैमेज तो हमें बता दीजिए, तो उसी हिसाब से हम इसमें आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। सर आपने न्यूली पोस्ट ज्वाइन किया है तो आपका क्या विजन रहेगा सर करगिल को लेकर? मतलब लद्दाख में मैं पहले 2.5 साल से काम करता आ रहा हूँ, तो मेरा हमेशा मोटिव यही रहा कि पब्लिक वेलफेयर एक लास्ट और इम्पोर्टेंट मोटिव हमारा यही रहता है कि जितने भी ऑफिसर आते हैं DCs आते हैं कि पब्लिक का कैसे वेलफेयर हो, तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि पिछले भी जो अच्छे काम चलते आ रहे हैं उसको मैं आगे बढ़ाता रहूं, और जहाँ पे भी मुश्किल या कुछ कारणों की वजह से काम फंसे जो डेवलपमेंट के काम है उसको मैं उसको आगे ले जाऊँ, पब्लिक को साथ लेके काउंसिल को साथ लेके और अदर जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उनको साथ में लेके एक ट्रांसपेरेंट इम्पार्शियल एंड रिस्पॉन्सिव एक एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन चलाने की मेरी कोशिश रहेगी विद कोऑपरेशन ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स। हाँ मैं विजिट करने वाला हूँ एक्चुअली, अभी न्यूली ज्वाइन करने के बाद रिव्यू मीटिंग्स आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट को जाने के लिए डिपार्टमेंट के साथ मीटिंग होती, तो वो अभी दौर चल रहा था, तो मैं एक मेरा एक दौरा भी अभी स्टार्ट होने वाला है कि सब डिविजन्स में भी हम विजिट करेंगे। आखिर में करगिल के आवाम को आप क्या पैगाम पहुंचाना चाहते हैं? मेरा पैगाम यही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा आपके साथ है, जो भी पब्लिक की मसाइल है वो आप मतलब कुछ फ्रीली आप मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, और मैं एक हफ्ता हो गया तो सबसे मैं मिल रहा हूँ, जो भी इश्यूज़ है उसको डील करने की कोशिश रहे, तो मेरा वही अपील रहेगा कि जो भी पब्लिक इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंस की इश्यूज है वो आप मेरे पास लेके आए, तो एज़ पर मेरिट उसको हम इसमें ज़रूर कार्रवाई करेंगे। और एक पब्लिक के लिए एक मैंने जैसे बोला कि ट्रांसपेरेंट और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक की सेवा करने की हमारी कोशिश रही। सना दर सपा श्रीकांत बाला साहब फैपो सेल्फ नंबर मोल नितिन फैस संग शुरू दियो संग लोकसो मल सौ ने दोन एन सामचे दो करो सद यो में तुसे ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शोक्समो दे मल सौ ने जिक्सकोर बचा जन सुख तालता चल उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल इस दुनिया का चोकलास डुल जग बेन दुख जरे यंता सपा रिपोर्ट चलिप चो नितिन यातल तें जुक शेख लदाव एक्सप्रेस सी जिरबाना जुम से दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन चुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तें सुख रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी मेमांग सुनला जुआइन दी चैनल पर सब्सक्राइब।